अस्सलाम वालेकुम ग्रेट व्यूअर्स एंड माय सब्सक्राइबर, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं आपको शेयर कर रही हूँ हमारा ट्रिप टू अबू धाबी। फ्राइडे 3 मार्च को हमने डिसाइड किया कि चले जी, दुबई में बहुत टाइम गुजार लिया, अब एक दिन हम अबू धाबी में भी गुजारते हैं चल के। तो ये हम दुबई से अबू धाबी की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत शहर है अबू धाबी। अबू धाबी इज़ लाइक जैसे हमारे यहाँ का इस्लामाबाद है पाकिस्तान से, बहुत डिफरेंट और बहुत ग्रीन, तो आप समझे वहाँ का इस्लामाबाद है। लाइक कंपैरिजनली नहीं, लेकिन इट्स जस्ट लाइक ये हमारा पूरा डे का टूर था। सबसे पहले हम पहुँचे थे ग्रैंड मॉस्क शेख जायद, द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड ह्यूज मॉस्क, बहुत खूबसूरत, मतलब इट मेस्मराइज अस। होती है ना बास जगहें ऐसी होती हैं जिनको देख के आपको एक गूज बम मिलता है, तो इस्लामाबाद में शाह फैसल मॉस्क और यहाँ पे अबू धाबी में द ग्रैंड शेख जायद मॉस्क। खैर, इसका शाह फैसल मॉस्क से कोई कंपैरिजन नहीं है, ये तो बहुत ही ऊंचा है, मोस्ट ब्यूटीफुल। नीट एंड क्लीन, और आप इनके फर्श के ऊपर वर्क देखिएगा, यहाँ के लोगों का अपनी चीज़ों का ख्याल रखना आता है। ब्यूटीफुल वर्क, अच्छा स्टार्ट की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, बट यहाँ पे आप लोग अपनी एसेसरीज लेके एंटर नहीं कर सकते, वो आपने गेट के ऊपर रखवानी होती है। आपको लॉकर जो है वो अलॉट किए जाते हैं, वहाँ पे आप अपने हैंड बैग्स वगैरह सब रखें, इवन पानी की बॉटल भी आप अपनी नहीं रख सकते। यहाँ पे आपको फ्री चिल्ड वाटर प्रोवाइड किया जाता है। तो हमने गेट के ऊपर अपना सारा सामान रखवा दिया था और अब हम जो है वो अंदर नमाज पढ़ने के लिए आ गए थे। सुबह वजू खाना है, ये बच्चे मेरे वजू करते हुए। यहाँ पे आपको मस्जिदों के अंदर चिल्ड फिल्टर्ड वाटर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट।
Now we were heading towards Hudariyat Island. बहुत खूबसूरत जगह थी. एक दिन का हमारे पास सिर्फ टाइम था और हमने काफ़ी जगहों को कवर करना था. सो हुदारियात की व्लॉग आप लोग मेरा ज़रूर देखिएगा. मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुकी हूँ. बहुत ही खूबसूरत जगह थी. थैंक यू फॉर वॉचिंग और मुझे कमेंट से बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी. अल्लाह हाफ़िज़.